इटली से निमंत्रण मिलते ही विरोधियों में मचा हड़कंप। 2014 और 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी 2024 में एक बार फिर जीत का बिगुल फूंकने वाली है। इसीलिए इस बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी मैदान में है। बीजेपी गठबंधन को ही नहीं बल्कि देश विदेश के लोगों को भी पता है, इस बार बीजेपी और भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, यानी तीसरा टर्म और भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। यही वजह है हर जनसभा हर मंच से इसी की गूंज। अब की बार आप जो कहते हो कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य 400 पार का है, कमल के निशान पर हम 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और ये लक्ष्य सिद्ध इसलिए होगा कि भारत की जनता की आशा आकांक्षा और सपनों को पहली बार कोई प्रधानमंत्री फ्रंट पर से लीड कर गरीब के साथ खड़ा रहकर युवा के कंधे भारत की ताकत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। आप मानते हैं ना देश बदल गया है। और ये सब तब संभव हो पाया है जब देश की जनता ने 2014 में देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सौंपी। नहीं तो पुराना डर रहा क्या था। 14 के पहले लोग थे, क्या बोलते थे, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। सुनाई दे रही है, एक बार फिर मोदी सरकार बीजेपी का छोड़िए बल्कि अब दुनिया भी मानने लगी है कि तीसरी बार भी मोदी का पीएम बनना तय है। यही कारण है कि चुनावों के बीच ही मोदी को निमंत्रण मिलने लगा है, वो भी बतौर पीएम। इस चुनाव के साथ चरण है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, तभी फैसला होगा कि सत्ता किसके हाथ लगती है और पीएम बनेगा। लेकिन मोदी की लोकप्रियता पर विश्वास इतना कि रिजल्ट आना तो दूर। चुनाव से पहले ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को निमंत्रण दे दिया। अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दें कि ये वही जॉर्जिया मेलोनी जिन्हें यूरोप का योगी कहा जाता है, क्योंकि इनकी छवि भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही है। ये कट्टर इस्लामिक विरोधी है, और तो और इनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा इस वीडियो को देखकर ही लगा सकते हैं। इन्होंने अपनी चुनावी कैंपेन में इसी को अपना मुद्दा बनाया था और फिर भरी मतों से जीत भी गई। पीएम जॉर्जिया मेलोनी अपने राष्ट्रवादी नीतियों के चलते अपने देश की पहली पसंद बनी हुई है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान मेलोनी ने कहा था, मुस्लिम देशों में आए दिन गृह युद्ध चलते रहते हैं। मेलोनी ने आगे कहा, गृह युद्ध के चलते मुस्लिम देशों की त्रस्त महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें दुनिया को दिखाई जाती हैं। लेकिन जब शरणार्थी बनने की बात आती है तो ज्यादातर पुरुष शरणार्थी आ जाते हैं, और पीएम मेलोनी का कहना है कि मैं इन पुरुषों को शरणार्थी नहीं मानती। पीएम मेलोनी का मानना है कि इटली को इन मुस्लिम देशों के शरणार्थियों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम बनने से पहले मेलोनी मार्शियाना में हुए मस्जिद के खिलाफ एक आंदोलन में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने कहा था कि हम किसी भी नए मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा था कि अब तक किसी भी नई मस्जिद का निर्माण नहीं होगा जब तक हम नया कानून यानी सेफ्टी सिटीजन बिल पारित नहीं कर देते। इटली में तब तक कोई भी मस्जिद नहीं बनेगी जब तक इमाम की संपूर्ण जानकारी नहीं दी जाएगी। नवाज में क्या कहा जा रहा है ये बताया नहीं जाएगा कि मस्जिदों को फंडिंग कहां से हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नवाज इटालियन भाषा में हो, क्योंकि इटालियन इटली की राष्ट्रभाषा है। क्योंकि एक दक्षिणपंथी नेता के रूप में मेलोनी बिल्कुल स्पष्ट हैं, वो अपने देश में बढ़ते इस्लाम के प्रभाव को रोकना चाहती हैं, और अब मोदी की लोकप्रियता पर विश्वास करते हुए चुनाव से पहले ही इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को 7 जून को इटली आने का निमंत्रण दे दिया, जिसकी जानकारी पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके दी है। पीएम मोदी ने लिखा, पीएम जॉर्जिया मेलोनी से फोन पर बात हुई और इटली को मुक्ति दिवस मनाए जाने पर शुभकामनाएं दी। जून में G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया। G7 में G20 इंडिया के नतीजों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आपको बता दें कि G7 शिखर सम्मेलन 13-15 जून 2024 को अपुलिया के बोर्गो इग्नाजिया में आयोजित किया जाएगा। पीएम मोदी को मेलोनी ने जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के तौर पर बुलाया, जिसके लिए शुक्रिया अदा करते हुए पीएम मोदी ने G7 में भारत के आने का आश्वासन भी दिया।